बरेलवी जब होने का ऐलान करता हूं तो मुझे इस चीज की वजाहत चाहिए कि क्या वाकई वो अहले हदीस था या वो कोई अहले हदीसों के अंदर उसने कोई वक्त गुजारा है या पहले से वो बरेलवी था बस सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था। असल हकीकत इसकी ये है कि वो शख्स जो है हमारे साथ न गया था, बल्कि जितने अफराद वहां पर हमारे अहले हदीस हजरात मुनाजरे की जगह पर पहुंचे हैं तो सबके एड्रेस नोट किए गए, नाम नोट किए गए, उन नामों में इसका कोई शुमार नहीं था। और ये हमारी साइट पर आकर बैठ गया। हमने इससे पूछा तो कहने लगा कि मैं घर का आदमी हूं, मैं इंतजामिया का आदमी हूं, लिहाजा मैं आपके दरमियान बैठूंगा, आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो हम खामोश हो गए। तो बाद में जब इसने ये शरारत की, उठा और उठकर कहने लगा कि मैं कुरान हदीस इतने अरसे पढ़ता रहा, तो ये तमाम का तमाम झूठ था। असल में ये शख्स बरेलवी था और इसका मुनाजरा जो कारी चंद के साथ हुआ है, हनीफ कुरैशी का, उस मुनाजरे में ये मौजूद था। और उस मुनाजरे में उसने हनीफ कुरैशी को अपने कंधों पर उठाया हुआ था और नारे मार रहा था। 28 दिसंबर 2006 को ये मुनाजरा हुआ है न्यू शकरियाल रावलपिंडी में। वहां पर इस आदमी ने हनीफ कुरैशी को कंधों पर उठाकर नारेबाजी करने की कोशिश की है, और जिससे ये बात साबित होती है कि ये शख्स 2006 में भी बरेलवी था। इसका ये कहना झूठ का पलंदा है। हदीस पढ़ने वाला था और आज मैं इससे हटकर कोई और मसलक कबूल करता हूं, तो ये झूठ पर मबनी एक चीज थी जो उन्होंने इसीलिए प्रोपेगेंडे के लिए पहले ही तैयार की हुई थी। एक बात सुने भाई, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, 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 बैठ जा
تعریف
الشيطان الرجيم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بلکہ ہم باطل پر حق کی ضرب لگاتے ہیں تو حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے اور باطل شکست کھا کر بھاگ اٹھتا ہے اور تمہارے لیے ہلاکت ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بیان کرتے ہیں شاہ صاحب کی اس وضاحت کے ساتھ ساتھ آپ ویڈیو بھی دیکھ چکے ہوں گے